नाश सत्यानाश फेर दिया श्रीलंका में। आप लोग इंडिया को हराने की बातें करते हो, आप लोग ख्वाब देखते हो कि मैं इंडिया को हराऊंगा, आप लोगों को श्रीलंका नहीं हराया गया, आपसे श्रीलंका के आपको श्रीलंका ने आपकी औकात याद करवा दिया है। बहरहाल ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग का असर क्या किया भाई श्रीलंका ने, कमजोर श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंच पाया और पाकिस्तान दो बड़ी टीमों से खेला इस टूर्नामेंट में, एक थी आपका इंडिया श्रीलंका जिनसे आज हम फिर हार गए। ये एक संघ के ये लड़के जीत नहीं सकते मैचेस, वो एक रन से हारो या एक विकेट से हारो उससे हमें परवाह नहीं, हमें जीत चाहिए भाई। अगर आप जीत नहीं सकते तो क्योंकि आप नहीं कुछ कर पाए एशिया कप में, आप हार गए और इंडिया से आपने बहुत धुनाई, बुरी तरह धुनाई आपकी हुई और पूरे कॉम को जो है बड़ी मायूसी हुई। नहीं, बड़े ब्लंडर ना करते जो हमने किए हैं, कप्तानी उठा के देख लो, फील्डिंग उठा के देख लो, बाकी फील्डिंग मिस कर दी है। नंबर वन अंदर बढ़ गया इनके, नंबर वन इनके अंदर चला गया, नंबर वन इनके घंटे बजा दिया श्रीलंका ने आगे। आप हरा रहे हो इंडिया को, श्रीलंका को तो पहले पकड़ लो, श्रीलंका ने आपको भाईजान दिन में तारे रात में तारे आपके घंटे बजा दिया। ना ये घंटा कप्तानी करता है, ना इस घंटे को बैटिंग आती है, ना इस घंटे के अंदर अकल है, और इसने दोस्ती यारियां पाल पाल के आखिरकार पाकिस्तान वो इन्होंने इस एशिया कप में हराया किसको। What a game, what a match, जबरदस्त मुकाबला, एक बहुत जबरदस्त मुकाबला। Hats off to श्रीलंका, जिस तरह श्रीलंका kept their काम, जिस तरह श्रीलंका ने खेले या आखिरी ओवरों में जिस तरह परफॉर्म किया, टीम पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में भी फाइट बैक की मगर बहुत देर हो गई थी, जब तक कहते ना मेहरबा देर हो गई आते आते। आप चेक कर लो उसकी क्रिकेट, डाउटफुल है यार वो पहले खेल रहा आराम से। अच्छा फिर जब तुम तय कर रहे हो बॉल यहाँ रखा हुआ, तुम आगे बढ़ गए क्रीज से, फिर तुमने बॉल को हवा में छोड़ दिया बिल्कुल। यार ऐसा होता नहीं। बहरहाल वो जो कमेंटेटर है खातून जो बकार यूनुस के बराबर में बैठी हुई है, उसको ये पता है कि यार जब विकेट आ गई है आपके पास आया जाए, जो आपका बेस बॉलर है ठीक है, बेस बॉलर पे आप आए नहीं। आप श्रीलंका सेमीफाइनल खेला गया जहां पर पाकिस्तान की टीम ने स्कोर चेस करवा दिए, एशिया कप से पाकिस्तान की टीम बाहर हो चुकी है। थर्ड क्लास बैटिंग पहले, थर्ड क्लास बॉलिंग, उसके बाद थर्ड क्लास फील्डिंग, थर्ड क्लास कप्तानी, एक चीज भी जो आप अच्छी नहीं कर सके। अपने अपने घर जाए, नई टीम बना लो भाई, क्योंकि सीधी सी बात है यार, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हम देख नहीं रहे इस टीम के अंदर ना। यार गिव मी ज़िम्बाब्वे, गिव मी नेदरलैंड, गिव मी यूएई, गिव मी श्रीलंका। आप इसलिए शांत हैं, मुतमईन हैं। यार देखिए मैं खुश है आपके लिए, तो मैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो है ना, मुझे इतना हल्का फाइनल देखने को मिलेगा श्रीलंका के खिलाफ इंडिया से, मगर यहां तो सूरत हाल ये है कि यार क्या बोलूं मैं, प्लेयर बहुत है डोमेस्टिक क्रिकेट में जो खेल रहे हैं, उनको बुलाओ, उनको डालो इस टीम में, इसलिए क्योंकि अब ये बहुत हो गया यार। सीधा से एक सिलसिला होना चाहिए कि अगर टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है उनके जेब भर दो, अगर परफॉर्म नहीं कर रही है खत्म कहानी, आपके स्पिनर्स किसी काम के नहीं है यार। मुझे कब इंडिया से उस दिन पाकिस्तान एक रन करके आउट हुआ इतना दुख नहीं हुआ जितना आज श्रीलंका से हार का दुख हुआ है। पिछले एशिया कप में भी ऐसे था, हम राउंड मैच के अंदर कैजुअल हो गए और फाइनल में उन्होंने हमारी बदतरीन बॉलिंग, हमारी बदतरीन बैटिंग, हमारी बदतरीन फील्डिंग की वजह से श्रीलंका ने हमें पिछले साल हरा दिया था, और हम वाकई डिजर्व नहीं करते आज जो हमने यहाँ परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर टीमें फाइनल खेलती हैं तो वो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जाती हैं। द बेटर टीम वन टुडे एंड श्रीलंका वन इट, इट इज इंडिया वर्सेस श्रीलंका इन द फाइनल। सो हम हो गए अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान यहां से ये मैच हार गया, मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया, और यकीन माने इस टाइम मेरा दिमाग पागल हो चुका है। ये डंडा मेरे पास मौजूद है, ये डंडा और ये बेगैरत कप्तान मुझे अगर मिल जाए ना, इसके पिछवाड़े पे मार मार के मैं इसको इतना लाल कर दूं ना कि मेरा नाम बदल दे अगर मैं ऐसा काम ना करूं। उल्लू के पट्टे, इनसे तो यार जो श्रीलंका वाले बेहतर हैं, वो मैच इनके मुंह से निकाल के ले गए, श्रीलंका वाले इनके मुंह से मैच निकाल के ले गए, मार मार के इनकी टट्टी निकाल दी है, और ये बेगैरत जो है इनसे ना बॉलिंग होती है ना इनसे बैटिंग होती है। आखिरी ओवर तक मैच गया तो खुश होने, अभी आके मुझे किसी ने ये नहीं बोलना जो पाकिस्तान ने मैच हार लिया, दिल जीत लिया, नहीं बोलना जो कोई बात नहीं है मैच फाइटिंग हुई है भाई, आखिरी बॉल तक मैच गया। ये सारी सिर्फ बातें हैं, हार गए हो, एशिया कप से बाहर हो गए उल्लू के पट्टो, सबसे बड़ी बात यह है, और जो डिजर्व करते थे ना भाई साहब वो आपके सामने है। ये टीम है, 10 दिन पहले आप लोग बातें कर रहे थे कि हम इंडिया को बीट करेंगे, हम 266 चेज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, श्रीलंका ने आपको आपसे हराने हुआ, आप इंडिया को हराने की बातें कर रहे हो, उस बंदे ने आपके 3 प्लेयर पंचर किए हैं। ये टीम श्रीलंका के, ये टीम डिजर्व करती थी फाइनल में जाना इंडिया के साथ, और भाईजान श्रीलंका डिजर्व करती थी, वो चली गई है। इनकी बॉलिंग पे तो कम अज कम खुदारा कोई बड़ा शो करके मैच जितवा दे मेरे वर्ल्ड क्लास, मेरे थर्ड क्लास, चलो यू ले लो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आईसीसी 40
प्लस का बॉलर है, जब जब उसकी रील दिखाते नीचे 128, 130, 132, 134 के ऊपर नहीं गया। आखिरी बॉल सुना है, आखिरी ओवर उसने बहुत तेज कराया, आखिर में क्या करना था, ग्यारहवें वाले पे चले समेटते हो तुम लोग घंटे के वन क्लास बॉलर हो, मुझे एक बात बताओ, आपकी छेड़ ले यार, नीचे की वो वाली विकेट जब बैट्समैन खुद आउट, यानी कि मैं थक गया था बेटा, थक गया था, वो विकेट दे के गया, ली नहीं है तुमने विकेट, जो डिजर्व करते थे वो फाइनल में पहुंच गए, इंडिया के साथ फाइनल खेलेंगे, ये उल्लू के पट्टे डिजर्व ही नहीं करते हैं। इनका ये थर्ड क्लास कप्तान उल्लू का पट्टा, इसे ना बैटिंग होती है, ना इसे कप्तानी होती है, ना इसे फील्डिंग लगाई जाती है, ना इसे जो है वो बॉलिंग में चेंजेस करवाई जाती है, ये करने क्या आया हुआ है, सबसे पहले इसको ठुड्डे मार के बाहर करें, इसका कोई काम ही नहीं है पाकिस्तानी टीम में, क्या करने के लिए क्या आया हुआ था, लानत है ऐसे बिगाड़तों पे, लानत है ऐसी बैटिंग पे, लानत है ऐसी बॉलिंग पे। चले पहले ठीक है मैच दूर था, मैच आखिरी ओवर था, आ गया और आखिर पर बाउंड्री पे तुमने फील्डिंग नहीं लगाई हुई है उल्लू के पट्टे, इतना ये मगन हो गया सिंगल डबल रोकने में कि इसे इतना अंदाजा नहीं है कि यार मैंने लेग साइड पे बाउंड्री नहीं लगाई, फील्डिंग नहीं लगाई हुई है, वहां से सीधा उसने दो स्कोर निकाल लिए और इनके मुंह पे लानत फेंक के चला गया वो। मोहसिन ने बताया था उस दिन श्रीलंका की पिचेस पे, दिस सॉफ्ट ग्राउंड्स, पांव जब रखता है तो दूसरा पांव उठाने में एफर्ट लगता है, लेकिन इनकी 8 महीने 1 साल से इनको नॉन स्टॉप आप खिला रहे हैं, तो इनका अगर, क्योंकि इन दोनों ने जान मारी और इन दोनों के अलावा शायद इस बॉलिंग अटैक में मैं कप्तानी हो जाए, बॉलिंग अटैक हो जाए, फील्डिंग एफर्ट्स हो जाए, सब यार रियलिटी चेक है, हमारा जो नंबर वन का ओडीआई का बबल था ना वो बस्ट हो गया, और मेरे ख्याल से मेरे पास लफ्ज़ तो बहुत है कुछ कहने को लेकिन वो बहुत सख्त लफ्ज़ है। अफगानिस्तान के खिलाफ हम जीत रहे थे, हम नेपाल के खिलाफ जीत रहे थे, लोग बड़े खुश हो रहे थे, पाकिस्तान एज ए नंबर वन ओडीआई टीम क्वेश्चन मार्क, पाकिस्तान बड़ी टीमों के खिलाफ क्वेश्चन मार्क, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपने छोटी टीमों को हरा हरा के T20 खेल के आपकी क्रिकेट भी T20 हो गई है, और आप छोटी टीमों को हरा हरा के शायद आपका कॉन्फिडेंस भी वहां हो गया। आपको मैंने बताया था कि आप जब भी बड़ी टीमों के सामने आएंगे आप क्रम्बल करेंगे, और श्रीलंका में तो बड़ी बड़ी टीम थी नहीं, श्रीलंका के यहाँ मेन बॉलर्स थे ही नहीं, श्रीलंका भी सेकंड स्ट्रिंग साइड के साथ फाइनल में पहुंच गया, और हम लोग हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से श्रीलंका ने पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल से बाहर कर दिया है, फिर आप ऐसे मान सकते हो एशिया कप से बाहर कर दिया है, तो उसे पाकिस्तान का मीडिया एकदम से बौखला गया। पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है जो पाकिस्तानी खिलाड़ी है वो किसी भी काम के नहीं है, या पाकिस्तान के बैट्समैन या फिर पाकिस्तान के बॉलर उनसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उनका यह मानना है कि उन्होंने सोचा नहीं था, वो मान रहे थे श्रीलंका एक छोटी टीम है, जैसे उन्होंने बांग्लादेश को भी छोटी टीम बोला था, और फिर बाद में हुआ क्या, बांग्लादेश ने उनका 2-0 से वाइट वॉश करके चला गया, हिस्ट्री क्रिएट करके गया था बांग्लादेश, जिसकी वजह से पाकिस्तान पहले शौक में चल रहा था लेकिन उसको दोबारा झटका लगा है। पाकिस्तान के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि श्रीलंका जैसी टीम या फिर श्रीलंका को छोटी टीम बोलते हैं, उनका मानना है श्रीलंका जैसी छोटी टीम भी उनको कैसे हरा सकती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये देखिए दोस्तों, जो मैच चल रहा था श्रीलंका और पाकिस्तान का, उसमें लेग साइड में फील्डर ही मौजूद नहीं थे, जो उनका कैप्टन है उन्होंने फील्डर ही नहीं लगाया था, तो ये एक बड़ी बात है कि एक या दो रन रोकने के चक्कर में उन्होंने फिर फील्डिंग ऑफ साइड में लगा दी, लेकिन लेग साइड में कोई फील्डर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ आराम से 4 या 6 आराम से चले गए, जो पाकिस्तान को ये बहुत भारी पड़े। पाकिस्तान के लोग दुख में आकर के या फिर आप ऐसे बोलते बोल सकते हो कि एकदम से सदमे में आ गए, जिसकी वजह से वो टीवी तोड़ना चालू कर दिए हैं, वो टीवी भी तोड़ रहे हैं और रो रहे हैं, और वो जो पाकिस्तान की टीम उसको गाली देना शुरू कर दिए। पाकिस्तानी टीम को जैसे उन्होंने शान मसूद है फिर जो मतलब कैप्टन चेंज किए उनको सबको गाली देना शुरू कर दिया, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान का जो बोर्ड है PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसको पाकिस्तानी कॉमेडी बोर्ड या फिर पाकिस्तान प्रेशर कुकर बोर्ड भी बोलते हैं, उसको इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इन खिलाड़ियों को हटा करके नई टीम बनानी चाहिए। और ये बात सही है दोस्तों, हमने देखा जिस तरह से उनके खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहे हैं या फिर उनकी टीम जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, तो उसका परफॉर्मेंस लेवल बिल्कुल जीरो है, तो उसकी जगह अगर नई टीम बनाएंगे या फिर जो डोमेस्टिक खेलने वाले खिलाड़ी हैं वही उनसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अब ये लगने लगा है पाकिस्तानी मीडिया को कि उनको खिलाड़ियों को रेस्ट देना चाहिए और एक नई टीम बनानी चाहिए, जिससे कि वो आराम से मतलब मैच को विन कर सके या फिर विन भी ना करे तो बराबर की टक्कर तो दे सके। लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं इस टाइम पे वो ना तो बराबर की टक्कर दे पा रहे हैं ना वो मैच को विन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जलील पे जलील होता जा रहा है। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बोलते थे कि हम इंडिया को हरा देंगे या फिर इंडिया हमारा कुछ भी नहीं है, वो खुद ही पाकिस्तान मीडिया इस बात को बोलने लग गया है कि वो इंडिया को हराने की बात ऐसे आराम से करते हैं लेकिन वो खुद ही हार जाते हैं, उनका ये सपना सपना रहने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपको क्या लगता है दोस्तों, जब पाकिस्तान का मैच अलग हमारे चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे देश से होगा इंडिया से, तो क्या पाकिस्तान विन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह से चल रही है या फिर पाकिस्तान का हाल जिस तरह से हो रहा है, उसको कोई भी टीम आती है वो हरा के चली जाती है। अभी पाकिस्तान खुद मानने लग गए हैं कि वो छोटी टीमों के खिलाफ खेल खेल के खुद को बड़ी टीम मान के चल रहे थे, लेकिन जब बराबर की टीम से टक्कर होता है
मुकाबला होता है, फिर मैच होता है, तो फिर उनकी असली औकात उनके सामने आ जाती है। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको BCCI से ट्रेनिंग लेना चाहिए। धन्यवाद।